हाय फ्रेंड्स, मैं और कुशवाहा, आप देख रहे हैं रियूनियन टेक चैनल। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ BBMP रिक्वायरमेंट 2019 के बारे में। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संख्या में ग्रुप डी की वैकेंसी निकली हुई है। अगर दोस्त आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्त आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि दोस्त मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि दोस्त आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर पाएंगे और आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो दोस्त आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई एक ब्राउजर ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर लिया है और साथ में मैंने एक वेबसाइट भी ओपन कर रखा है, जिस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से डायरेक्ट आप क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं BBMP रिक्वायरमेंट 2019, अपने को थोड़ा नीचे आना होता है। नीचे आने के बाद दोस्तों इस वैकेंसी का अपने को पूरा डिटेल्स मिल जाता है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नेम ऑफ पोस्ट है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ग्रुप डी का पोस्ट है और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है 4000 टोटल वैकेंसी होने वाला है। इस दोस्तों आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो जॉब लोकेशन है कर्नाटका के अंदर। इस पोस्ट के लिए दोस्तों आपको एप्लीकेशन फी भी पे करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप जनरल या OBC में आते हैं तो दोस्तों आपको 200 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप SC या ST में आते हैं तो दोस्तों आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा। आप डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड या क्रेडिट कार्ड या किसी भी कार्ड से पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशंस के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है दोस्त। तो दोस्तों आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं तो। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट में दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट है 9/9/2019 से यहाँ पर मतलब ऑनलाइन आप फॉर्म अप्लाई करने का स्टार्ट हो जाएगा। जो लास्ट डेट है यहाँ पर 9/10/2019 तक दोस्तों आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पर जो स्टेटस दिखाया गया है, यहाँ पर अवेलेबल ऑन 9/9/2019 से यहाँ पर अवेलेबल होगा। यहाँ पर अभी दोस्तों आपको अवेलेबल नहीं है यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, लेकिन दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर नोटिफिकेशंस के सामने आपको क्लिक करना है और आपके आपके कंप्यूटर या मोबाइल में ये नोटिफिकेशंस व्यू हो जाएगा या तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है दोस्त। उसके बाद दोस्तों आप इस नोटिफिकेशंस को व्यू करके रीड कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त मैं यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी मेरे मोबाइल में जो नोटिफिकेशंस है डाउनलोड हो रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है दोस्त। यहाँ पर भी दिया गया है कि यहाँ पर कब से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पर भी दोस्त आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। आपको यहाँ पर आप नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी फॉर्म मिल जाएगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा आपको नीचे आना होता है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इंग्लिश में और यहाँ पर जो जो लैंग्वेज है दोनों लैंग्वेज में दोस्तों आपको यहाँ पर फॉर्म मिल जाता है। ऑफलाइन के लिए भी आपको फॉर्म मिल जाता है, ऑफलाइन भी इससे आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप इस तरह से इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लीकेशन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर 9 तारीख से आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों इसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो के पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक रियोंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रियोंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।